बता देता हूँ रबड़ नाई लिखे जाने की है। कमाल करता है भैया, यहाँ एक साथ 10 घरों में चोरी हुई है और तू कहता है कि रपट नहीं लिखे जाएगी। क्या चोरी हुई है, है? ए, क्या चोरी हुई है? ये चोरी कोई चोरी नहीं मानी जाएगी। अरे कैसे नहीं मानी जाएगी? हाँ क्यों नहीं मानी जाती ये चोरी? पैसा गया, नकदी गई, जेवर गया या सारे घर का कोई सामान गया? अरे कागजों की चोरी कोई चोरी मानी जावे? हमारे मकानों के कागजात चोरी हो गए और तू कह रहा है कि रपट नहीं लिखी जाएगी? क्यों उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है औरतों को? अब तुझसे कौन बहस कर रहा है चाची? देखे ये ठेकेदार जी भी खड़े, इनसे बुझ ले रपट तो बनती नहीं। अच्छा एक बात बता, थारे कागजों का कोई लेके करेगा भी क्या? सेठ लगा के चाटेगा क्या? हाँ चाची, कागजों का कोई क्या करेगा? कब्जा सच्चा, झगड़ा झूठा। अरे चलो चलो हटो यहाँ से, क्या भीड़ लगा रखी है, है? हटो चलो, खुद रख के तो भूल जाती है कागजों को और यूं कहती चोरी होगी। थाने जाके देख लो अपने, चलो। मेरे बक्से का खखोरा मचा दिया, एक तरफ राशन कार्ड पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ कपड़े लगते, सबके यहाँ ऐसे ही हुआ है। राशन कार्ड क्यों छोड़ दिया? तो सबूत बन सकता है ना? फिक्र मत करो साहब जी, सारी की सारी जाहिल और अनपढ़ औरतें हैं, इनके मर्द नशे में धुत पड़े रहते हैं, थोड़ा बहुत लालच दोगे तो जगह अपने आप खाली कर देंगे बिना कोई दंगा फसाद के। तूने तो अपने कागजात वकील साहब के यहाँ रखवाए थे ना? हाँ, और तुम्हारे भी वहीं पे रखे हैं, यहाँ तो नकल रखी थी बस, इरफान ने कराया था सारा काम। फिर कोई फिक्र नहीं, लेकिन बात हैरानी की तो है ना? अब कभी ना कभी तो ये बात खुलेगी ही, कब तक अंधेरे में रहेगी? अंधेरा क्यों होता है? क्योंकि इंसान के दिमाग में गलत विचारों के फ्यूज बल्ब लगे रहते हैं, तुम उन फ्यूज बल्बों को निकाल दो तो मन मस्तिष्क उजाले से भर जाए। पहली बार जब मैं बसंत से मिला था तो कहती थी कि कानून तो कुछ होता ही नहीं, अब देखिए अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है दूसरी औरतों को भी। सर बसंतो चाची का फ्यूज बल्ब बदल दिया ना आपने? सर इरफान का भी बदल दीजिए। इरफान का फ्यूज बल्ब तो इसकी घरवाली आके बदलेगी। सर मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। हैं? देखते हैं देखते हैं, तुम्हारा ये इरादा बना रहता है और कितने दिन। ज्यादा दिन नहीं लगे लेकिन शुरू शुरू में बसंत तो कानून को कुछ मानती नहीं थी। एक बार क्या हुआ कि उसकी टोकरी में से किसी बच्चे ने कटोरदान निकाल लिया, उसने समझा कि घर के लोगों ने चुरा लिया, झगड़ा हो गया।
मुझे एक ही नजर में यह पता लग गया कि इस औरत में कोई खास बात है। अगर इसको कानून का ज्ञान, सही सही ज्ञान दिया जाए तो यह समाज के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो साहब मैंने कोशिश की उसको कानून की कुछ जानकारी देने की, भड़क गई। ये समझाओ उसे, जिसने मेरा कठोर दान रख लिया है, कोई कानून नहीं है, कहीं भी नहीं है। लो रख ले, कानून होता है, कानून इसी हवा में घुला हुआ है, इसी हवा में, हमारे खून में। मुझे क्यों समझा रहे हो, मुझे क्या मतलब है कानून से? जैसे कि इस देह में खून है, वैसे ही जीवन में कानून है। जैसे कि इस देह में खून है, वैसे ही जीवन में कानून है। छोटा बड़ा कोई, अनपढ़ पढ़ा कोई, सबको है एक समान ये। निर्धन धनी कोई, बन्ना बनी कोई, सब पे तनी है कमान ये। ये हो तो रहता है चैनो अमन, इसकी वजह से ही सुकून है। जैसे कि इस देह में खून है, वैसे ही जीवन में कानून है। देख लिया, सब देख लिया, कानून हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? वो संसद वंसद कुछ नहीं समझती थी और कानून को तो कुछ मानती नहीं थी। वो समझते हैं कानून कुछ होता ही नहीं, जैसे चाहे कर ले मनमानी। क्या हुआ बसंत, तो ये चोट कैसे लगी? कोई खास बात नहीं, मामूली सी चोट है। ठेकेदार एक सरकारी आदमी को लेके आया था, कहता था कोर्ट से कोई नोटिस लाया है, जमीन खाली कराएगा। बोला इस कागज पे अंगूठा लगा और मकान खाली कर दो। जब हमने मने करी तो उसके गुंडे लगे हमें पीटने। हमने भी मिलके खदेड़ दिया कलमुहों को। क्यों करे दस्तखत, क्यों लगाए अंगूठा? कानून नहीं जानते क्या? हमारे दस्तखत लेकर हमें बेदखल करना चाहते हैं हमारे घरों से। ऐसे अचानक निकलने का नोटिस तो नहीं आ सकता, लेकिन बसंतो कोर्ट का नोटिस न लेना कोई ठीक बात नहीं होती। नोटिस जरूर लेना चाहिए, उसी से तो पता चलता है कि तुम्हारे ऊपर क्या कार्रवाई होने वाली। अच्छा फिर क्या हुआ? हमने जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाई। ये तो अच्छा किया। हमसे पहले उनका आदमी झूठ मूठ का पलास्तर चढ़ा के थाने पहुंच गया, उसने भी रपट लिखाई, हमने भी लिखाई। पूरी बात बताओ। एक हफ्ता पहले करीब 10 घरों के जमीन के कागजात चोरी हो गए थे। बात आई गई हो गई, हमने कोई ध्यान ही नहीं दिया। हमारे कागज तो यहीं पे रखे हैं ना? हाँ बिल्कुल, हिफाजत से। तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? ये ठेकेदार कौन है? जिस चौधरी से जमीन खरीदी है उनका भांजा है, ठेकेदारी का भी काम करता है। यानी वो तुमसे जमीन वापस लेना चाहता है? वो तो कहते हैं कि वो जमीनें हमारी है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर छोड़ो, राशन कार्ड तो होंगे, बिजली पानी की रसीदें तो होंगी। कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं भी है। असल बात तो ये है कि वो हमें समझते हैं अनपढ़ और मूर्ख। कभी हमारे कागजात चोरी करते हैं, कभी हमें लालच देते हैं और कभी हमें धमकाते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे तो वो उल्टे फंस जाएंगे। मैं समझ गया, ये सब नोटिस वोटिस नकली हैं तुम्हें धमकाने के लिए। तुम हमारे साथ चलो कोर्ट, आज ही फैसला करवाओ। मैं क्यों चलूंगा? तुम लोग खुद जाओ, कोर्ट से घबराती क्यों? अदालत जाने से घबराना नहीं चाहिए, अदालतें आपके कानूनी हितों की रक्षा के लिए बनी हैं। अदालतें यूं तो कई तरह की होती हैं, पर इनके दो मुख्य विभाग हैं, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। अपराधों से संबंधित मामले फौजदारी अदालत में किए जाते हैं। ये थाने में या फिर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत दर्ज करने से शुरू होते हैं। फौजदारी मामले आमतौर से सरकार की ओर से लड़े जाते हैं। आपसी निजी लड़ाई झगड़े दीवानी अदालत में तय किए जाते हैं। दीवानी अदालत में मुकदमा दर्ज किया जाता है, इसे वकील के जरिए करना होता है। मुकदमा आमतौर से जिला कचहरी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया जाता है। हर मुकदमे में दूसरे पक्ष को कोर्ट का नोटिस जाता है। आपके पास कोई नोटिस आए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और मुकदमे की तारीख पर पेश होना चाहिए, वहां दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। बस्ती की औरतें कह रही थी कि इरफान को भी अपने साथ कोर्ट ले चलो, तुम चलो हमारे साथ। सर से बात कर लो।
इरफान को भेज दीजिए ना हमारे साथ। नहीं नहीं, उसके पास और भी दूसरे बहुत सारे काम हैं। ऐसा करो कि तुम लोग खुद कोर्ट जाओ और अपना वकील ढूंढो। कोर्ट में कोई दिक्कत आई तो? कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर जिले की अदालत में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, जो गरीब लोगों को मुकदमा लड़ने के लिए मदद देती है। वहां किसी से भी पूछना लीगल एड सेल कहाँ है। सेल ट्रांजिस्टर में डालोगे या टॉर्च में? यहाँ कोई सेलवन नहीं है। केस करना है तो इन वकील साहब से मिल लो। यहाँ बिगर फीस दिए कुछ नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है या नहीं? होती है, पर यहाँ नहीं। चल लाजो। सर आपने मुझे क्यों नहीं जाने दिया उनके साथ? मैं नहीं चाहता कि वो हमेशा हमारी बैसाखियों के सहारे चले। लाजो और बसंतों की मदद तो चलो हम कर देंगे, लेकिन उन जैसी जो लाखों करोड़ों औरतें हैं उनकी मदद तुम अकेले कर दोगे क्या? सर लेकिन इनसे तो हमारा पर्सनल। क्या पर्सनल? बसंतो चाची हैं तो सही उनके साथ। मैंने उन्हें थोड़ा थोड़ा तैरना सिखा के मझधार में छोड़ दिया है। अब खुद हाथ पैर मारने दो, और मुझे पूरा भरोसा है कि डूबेंगी नहीं। बसंतो अब आसानी से हार मानने वाली नहीं है। याद है जब सुरेश और लाजो गैर कानूनी ढंग से शादी करके यहां आए थे? तो ये शादी हुई ही नहीं क्योंकि पूरे रीति रिवाजों के अनुसार नहीं हुई। नंबर दो, लड़की नाबालिग है, पूरे 18 साल की नहीं हुई। नंबर तीन, चूंकि लड़की नाबालिग है इसलिए इसको भगाने के जुर्म में सुरेश पर अपहरण का केस बन सकता है। और नंबर चार, कि जो कोई भी इन दोनों की मदद करेगा वो भी फंसेगा। अब मुझसे सुन लो। नंबर पांच, अगर ये लोग गांव वापस गए तो जात पंचायत, हमारी बिरादरी की पंचायत, काट काट के इनके हजार टुकड़े कर देगी। वहां तुम्हारा 1-2-3-4 वाला कानून नहीं चलता, समझे वकील साहब? वो अपने अनुभव की बात बताती थी, मैं कानून का जिक्र करता था। धीरे धीरे उसने रोजमर्रा की घटनाओं को कानूनी नजरिए से देखना शुरू किया। एक बात लेकिन मैंने हमेशा देखी उसके अंदर, और वो थी इंसानियत का जज्बा। जहां कहीं मानवता विरोधी बात उसे दिखाई देती वो रिएक्ट जरूर करती। दहेज के मसले को लेकर पहली बार मैंने देखा उसके अंदर कुछ ऐसा खास, अंधेरे में माचिस की तीली की तरह। बात तो मैंने भी देखी है सर, जहां कहीं भी औरतों पर जुल्म होता है बसंतो चाची चुप नहीं रह पाती, जुल्म के खिलाफ लड़ने का हौसला देती हैं। अपनी बस्ती की कितनी ही औरतों को उन्होंने जुझारू बना दिया। लाचो और हर प्यारी को ही देखिए।
मैं तो बसंतों की समझ पे बलिहारी हूं। दिल की बात दिमाग तक लाने में और दिमाग की बात दिल तक लाने में उसे कभी देर नहीं लगी। पहले तलाक को बुरा मानती थी, लेकिन समझ गई तो दूसरों को भी समझाने लगी। मैं समझता हूं लाजो की वजह से बसंतो चाची के सोचने के ढंग में बदलाव आया है। हाँ, बदलाव आया है। अभी तक वो दूसरों को सिर्फ सलाह देती थी, पर थोड़े ही अरसे में दूसरों के लिए लड़ना भी सीख गई। और बसंतो चाची के साथ लाजो का स्ट्रगल जुड़ने से दोनों मिलकर एक और एक 11 हो गई। खासकर उस वक्त जब लाजो भरी जवानी में विधवा हो गई, तब वो लाजो के लिए खुल के लड़ी। मैंने देखा सर, अपने इन आंखों से गांव में क्या कॉन्फिडेंस था। सारी पंचायत के सामने बुलंद आवाज में उसने अपनी बात रखी। इतना बढ़ चढ़ के मत बोल महेश, लाजो इस गांव की बेटी है और इसी गांव की बहू भी। दोनों तरफ से इसका हक दिलवा के ही मानूंगी। हाँ, उसमें एक अलग तरह की ताकत है। यही ताकत देखकर शुरू में मैं उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद किया करता था और नकली तौर पे नाराज भी हो जाया करता था। जब मैंने देखा कि बसंत तो अब समर्थ हो गई है, तो मैंने मदद करना बंद कर दिया। तुम्हें याद होगा कि एक दिन मैंने उसे उल्टे पांव वापस कर दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि अब ये जहां भी जाएगी, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपनी बात कह सकती है। ठीक है ठीक है, सुन लिया, अब बाहर बैठो। लेकिन माई बाप वो लोग तलाशी ले रहे हैं एक औरत की। चोर की तलाशी नहीं लेंगे, क्या आरती उतारेंगे उसकी। लेकिन तलाशी तो सिर्फ महिला पुलिस ले सकती है। तुम बाहर बैठो, मैं देखता हूँ थोड़ी देर में। कमाल है, दिए तले अंधेरा, आपके रहते हुए ये सब हो रहा है, आपकी नाक के नीचे गैर कानूनी काम। अरे सुना नहीं तुमने साहब ने क्या कहा, चलो बाहर बैठो। मैंने तो सुन लिया, पर तुम्हारे साहब ने नहीं सुना शायद। ये नहीं सुनेंगे तो और बड़े साहब के पास जाऊंगी। और बड़े साहब कौन? DIG साहब। वो नहीं सुनेंगे तो कहाँ जाएगी? वो नहीं सुनेंगे तो IG साहब के पास जाऊंगी, कमिश्नर के पास जाऊंगी, जिला मजिस्ट्रेट के पास जाऊंगी, और कोई नहीं सुनेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। सुना आपने? सब जानती है। आप किसी संगठन की ओर से हैं क्या? बाहर चलकर देखिए पहले। बसंत तो वाकई बहुत कुछ जान गई है। तुम लोग जितना जानते हो उसके बारे में कि वो इतना जानती है, दरअसल वो इससे कई गुना ज्यादा जानती है। वो ये जानती है कि हर व्यक्ति पर कानून बराबर लागू होता है। कानून को लागू करने के लिए कई अदालतें हैं। हर जिले में जिला कचहरी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर राज्य में उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, और इन सब के ऊपर उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। किसी व्यक्ति या समूह के मौलिक अधिकारों पर हमला हो तो वे सीधे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का फैसला अंतिम होता है। भारत की सभी अदालतें उसे मानने के लिए बाध्य होती हैं। अगर बसंतों की ग्रोथ का ग्राफ बनाएं, तो एरो सीधा ऊपर जाएगा, शू। और अगर इरफान का ग्राफ बनाएं, तो एरो एकदम गड्ढे में जाएगा, नीचे। मैं कब मना कर रहा हूँ, पाताल में जाएगा। पर तुम तो वही की वही हो ना, न ऊपर न नीचे। सर, पिछले कुछ अरसे में लाजो ने बहुत डेवलप किया है। मैं तो कहता हूं कि बसंतों से भी ज्यादा। पढ़ी लिखी है ना सर? जी हाँ सर जी, पढ़ना लिखना जानती हूँ। तो एक एप्लीकेशन लिखो, आवेदन पत्र सादा कागज पर, और उसके लिए किसी वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन हो सचिव डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नाम, लेकिन इससे पहले इतना जान लो, एक कानून है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। इसकी धारा 12 में लिखा है कि स्त्रियों और बच्चों को, अनुसूचित और पिछड़ी जाति के लोगों को, बेघरबारों और मानसिक विकलांगों को, दंगाग्रस्त पीड़ितों और कारखाने के मजदूरों को मुफ्त में कानूनी सहायता मिल सकती है। जिन लोगों की सालाना आमदनी 9000 से कम है, वे भी सरकार की ओर से इस मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं। हर स्तर की अदालत के साथ एक महिला सेल होती है जो स्त्रियों को उनके अधिकार दिलाने में सहायता करती है। देश, प्रांत और जिला स्तर पर अलग अलग लीगल एड फंड होते हैं। इसी फंड से मुकदमे का सारा खर्च मिलता है।
तुम्हारी अर्जी मंजूर हो गई है। तुम लोगों की तरफ से अब ठेकेदार और चौधरी के खिलाफ केस मैं लड़ूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी वकील साहब। वकील साहब, वो लोग हमारे घरों को तोड़वा कर वहाँ पर अपनी दुकानें बनवाना चाहते हैं। अब नहीं बनवा पाएंगे वो। अपने पास काफी सबूत है कि तुम लोग बहुत अरसे से वहाँ रह रहे हो। अच्छा ऐसा करो, तुम 200 रुपये मुझे दो, जरा कोर्ट पेपर वगैरह खरीदने हैं। आपको देने के लिए हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। जो भी खर्चा बने बिल बनाकर दे देना, अथॉरिटी से मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अथॉरिटी को सारा पैसा इस कानून की धारा 14 और 15 के तहत मिलता है। ऐसा करो बीबी, मेरा ये काला कोट पहनकर तुम ही आ जाओ मैदान में। सच कहता हूँ, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। इरफान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नोटिस देखने आया था। इरफान, ये ना समझना कि तुम्हारी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अपने गुरुजी से भी कह देना, ये मुकदमा हम जीत के ही रहेंगे। हमारे घरों से कोई भी बेदखल नहीं कर सकता हमें। हाँ, यानी मैं चाहता हूँ कि लोगों को इस बात की जानकारी हो कि हमारे देश में न्याय की व्यवस्था क्या है और कानूनी सहायता कहाँ कहाँ से मिल सकती है। सरकार की तरफ से हर स्तर पर कानूनी सहायता का प्रबंध किया गया है, लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए। बहुत सारे संगठन भी हैं इस प्रकार के जो जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देते हैं। सर, मैं ऐसे संगठनों की एक लिस्ट भी बना रही हूँ। गुड गुड, वेरी गुड, बना बना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, वाह। आपको बसंतो चाची बाहर बुला रही है। एक बात पूछनी है आपसे। अच्छा, इसीलिए एनी को बाहर भगाया था क्या? हाँ, मुझे पूछना ये है कि मैं विधवा हूं तो क्या मैं दोबारा शादी कर सकती हूँ? किसके साथ शादी कर रही है? आपको क्या मतलब? किसी से भी करूं, आप मेरे सवाल का जवाब दो पहले। अच्छा, तो ये बात है। कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। एक हिंदू विधवा शादी कर सकती है, लेकिन लाजो, सारी बातें विस्तार से जानने के लिए तुम्हें रुकना होगा। और कितने दिन?